हेलो डियर स्टूडेंट्स देखो मैं कंसेप्चुअल मिस्टेक बाय द स्टूडेंट्स वाली सीरीज में छोटे छोटे पॉइंट्स आपके सामने लाता हूं आज मैं ले रहा हूं ये पॉइंट थर्मोडाइनमिक्स से uh, बच्चे बहुत कॉमन मिस्टेक है ये एक्चुअली ये वो रियलाइज़ नहीं करते पढ़ते समय बाद में कभी उनको ये पॉइंट दिमाग में आता है पर्टिकुलरली इन एग्ज़ाम सॉल्व करते समय क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या जैसे बच्चों को एक बात सिखाई जाती है कि फॉर एन आइडियल गैस एन आइडियल गैस फॉर एनी प्रोसेस कोई भी आइडियल गैस कोई आइडियल गैस है और कोई भी प्रोसेस है एनी 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 वट इज इंपॉर्टेंट एनी प्रोसेस डी यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी टू एन सी बी डी टी डी यू इज इनफाइनाइट सिमल चेंज इन इंटरनल एनर्जी बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है आपको ओवरऑल चेंज फाइंड आउट करना हो तो यू कैन इंटीग्रेट एन वन टू टू सीवी डी टी अब ये एप्लीकेबल है अब बच्चों को डाउट क्या आता है डाउट क्या है बच्चों का बच्चों का डाउट बच्चों का डाउट ये है कि अच्छा अब मैं बच्चा हूं मैं डी यू इज इक्वल टू एन सीवी डी टी और सीवी तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है डी यू इज इक्वल टू एन सीवी टी टी और Cv जो है वो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाले प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है हाँ सही बात है एप्लीकेबल फॉर फॉर ओनली कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस नहीं बिल्कुल नहीं नहीं यही तो एरर है यही तो मिस्टेक है जो आप एग्जाम में कई बार करते हो आप ये सोच बैठते हो कि डी उज इक्वल टू तो एन सी बी डी टी आ रहा है और सी वी क्या है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम आ रहा है इसका मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए यह फॉर्मूला एप्लीकेबल है तो दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस फॉर आइडियल गैस ऑफकोर्स आइडियल गैस नहीं भाई कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस हो एनी प्रोसेस हो एनी जनरल प्रोसेस हो कुछ भी कांस्टेंट ना हो आइडियल गैस है तो दिस फार्मूला विल ऑलवेज बी एप्लीकेबल दिस फार्मूला विल ऑलवेज बी एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर एन आइडियल गैस इसलिए मैंने लिखा एनी इसलिए क्यों ऐसा क्यों रीजन रीजन ये होता है कि इन जनरल ज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और वॉल्यूम और द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर बट फॉर एन आइडियल गैस यू इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली जरा ये ये बात ध्यान रखने वाली है जरा इस वाले पैरामीटर को देखें मैं जरा एक बात बताऊं यू इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम है तो इसको डी यू को आप ऐसे लिखते हो डेल यू ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी टी प्लस डेल यू ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी वी ये एक जनरल रिलेशन है जनरल फॉर्मूला बट आइडियल गैस के लिए फॉर आइडियल गैस आइडियल गैस के लिए यूज द फंक्शन ऑफ ऑनली टेम्परेचर और टेम्परेचर का ही फंक्शन है तो इसका मतलब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो साफ दिखता है कि डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी वी ये डी वी तो छोड़ो चलो दिस टर्म विल बी जीरो एवर, ऑलवेज सेकेंड टर्म जीरो हो गया तो बस एक्सप्रेशन क्या आ गया डी यू इज इक्वल टू डेल यू ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज दी वी डी टी फॉर वन मोल तो फिर मोल के लिए कितना तो इसका मतलब डी यू इज इक्वल टू तो एन सीवी डी टी फॉर मोल। कंफ्यूज ना हो ना कंफ्यूजियाना मत कतई ना कंफ्यूजियाना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो बढ़िया से ये वो गोल रहस्य है थर्मोडाइनमिक्स के आ, बच्चों जो हमने आपको पढ़ाए हुए हैं हम यूट्यूब लेक्चर्स देखें कई बार ऐसा लगता है ये तो फ्री की चीज़ है एव ही होगी क्वालिटी ना है इसमें मैं तो सीना ठोक के बोलता हूँ कोई प्रूव करके दिखाए कि मेरे वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पर जो हैं चाहे वो मेरे चैनल पे हों आलोक कुमार वाले पे चाहे मोहित त्यागी सर वाले चैनल पे हों कोई प्रूव करके तो दिखाए कि ये एव आई हैं ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू हाँ ये थोड़ा कट रहा था तो मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया ये कैमरा अब आपको दिखाई पड़ जाएगा बाय